केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल से जुड़े विवाद का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि मुंबई स्थित कॉलेज में छात्रों को एक सेमिनार में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जानकारी के मुताबिक ये सेमिनार बीजेपी के लिए आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तरी लोकसभा सीट के उम्मीदवार पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल थे। छात्रों ने खुद शूट किए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुंबई स्थित कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें शुक्रवार को बीजेपी के लिए आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। उनके आईडी कार्ड ले लिए गए। कुछ लोगों का कथित तौर पर आरोप है कि दरवाजे भी बाहर से बंद कर दिए गए। इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाण ने वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि छात्रों ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे का विरोध किया। इसी बीच कॉलेज प्रशासन ने भी प्रेस रिलीज जारी कर पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार शहर भर के कॉलेज चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। हालांकि छात्रों ने दावा किया कि उनके पढ़ने का समय और परीक्षा का समय है।